हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बेमौसम की बारिश ने तोड़ी किसानों की कमर, खेतों में पड़ी मूंगफली की फसल नष्ट। बेमौसम की बारिश ने सीन लिया, इस बेमौसम की बारिश ने किसानों की कमर तोड़ दी। किसानों द्वारा अपने खेत पर दिन रात कड़ी मेहनत कर बड़ी मुश्किल से अनाज उगाते हैं, लेकिन किसान कभी सूखी की रोटी नहीं खाकर दूसरों को खाना खिलाते हैं। वहीं अचानक बदलते मौसम के मिजाज से शुरू हुई बेमौसम की बारिश से किसानों के खेतों में कड़ी फसल तबाह हो गई। वहीं किसानों ने कर्ज लेकर अपने खेतों में फसलों की उगाई की थी, मगर बारिश ने किसानों को कर्ज में डुबा दिया। वहीं किसानों के परिवार में अपने बच्चों की खुशियां भी बारिश में सिमट कर रह गई। बेमौसम की बारिश से सैकड़ों हेक्टर में मूंगफली की फसल तबाह। सिरोही जिले के रेवदा तहसील के मंडार क्षेत्र में अधिकतम किसान बारिश के मौसम में मूंगफली की खेती करते हैं। वहीं गत वर्ष से ज्यादा इस वर्ष डेढ़ गुना मूंगफली की अधिक खेती की गई थी, लेकिन एकाएक बदलते मौसम से अचानक हुई बेमौसम की बारिश ने किसानों के खेतों में खड़ी सैकड़ों हेक्टरों में मूंगफली की फसल बारिश में नष्ट हो गई। किसानों ने बताया कि मूंगफली की फसल को जमीन से निकालने के बाद उसके ऊपर बारिश होने से मूंगफली के पत्ते सड़ गए तथा मूंगफली का छिलका ऊपर से काला पड़ने के कारण बाजार में नहीं बिकेगी। वहीं इस बारिश से किसानों को आर्थिक संकट में डालकर कर्जदार बना दिया है, जिससे किसानों के मुंह आया निवाला छीन गया। यहां होती है मूंगफली की अधिक पैदावार। मूंगफली की अधिक पैदावार मंडार क्षेत्र के रायपुर, हरमतिया, निमतलाई, जालमपुरा, सोरडा, सोनानी बाट, जेतावड़ा, पिथापुरा, सोनेला, गुड़वाड़ा, मालीपुरा व अमरापुरा सहित इन गांव में मूंगफली की अधिक मात्रा में बुवाई कर किसान पैदावार करते हैं। हालांकि दो दिन से लगातार हो रही बारिश से करीब 60% मूंगफली की फसल बारिश के कारण नष्ट हो गई। इधर किसानों ने सरकार से गुहार लगाकर बताया कि बारिश में तबाह हुई फसल की सही तरीके से सर्वे करवाकर फसल बीमा के तहत मिलने वाले मुआवजे की राशि किसानों को अति शीघ्र दी जाए, ताकि इस संकट में किसानों को आर्थिक सहायता मिल सके। जागरूक टीवी के लिए मंडार से अशोक भाटी की रिपोर्ट।